हेलो और आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, दिन प्रतिदिन हम उनकी बातें सुनते हैं और हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो इसी को यीशु मसीह ने बोला कि अनंत जीवन है। तो हर चीज़ जो भी हम करते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं, उसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता। पर हम हमारे मन का जो कंडीशन होता है कि हमारा हृदय, हमारा मन, अगर हम परमेश्वर में सामर्थी होते हैं, हमारा मन अगर सामर्थी होता है तो कुछ भी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आए हम उसका सामना आसानी से कर पाते हैं। पर अगर हम मन में जब जिस दिन हम निराश हो जाते हैं तब एक छोटी सी, कुछ लोग कभी छोटी सी भी एक बात बोल देते हैं और उससे हमको रोना आ जाता है, बहुत छोटी सी बात होती है फिर भी। तो हम देखते हैं कि वचन में, नीति वचन में ऐसे लिखा है कि सबसे अधिक रक्षा जो है हमें हमारी मन की करनी है, क्योंकि जीवन के जितने भी मूल स्रोत हैं वो उसी से आते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि गार्ड योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। जितनी भी चीज़ें जीवन में हमारी होती हैं वो परिस्थितियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, पर वो परिस्थितियों का अंत क्या है वो हमारा मन का, जो अगर हम रक्षा करके रखते हैं उसी से परिस्थितियों का अंत का निर्णय हम कर सकते हैं। तो आज हम हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमारे मनों को हमें तैयार करना है और ये एक डिसीजन है जो हम लेते हैं कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचन से, और सबसे अधिक वो अपने वचन से हमारे मनों को तैयार करता है। तो इसी के बारे में हम आज कुछ चीज़ें सीखेंगे और आशीष पाएंगे। रोमियों 12:2 में से वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, इसमें से हमको यही है, हर दिन हमारा मन नया होते जाना है। आजकल सब लोगों को पास आप जाके पूछने से लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरा समस्या को बहुत ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है ऐसे ही पूछो, लोग ऐसे ही बोलेंगे उनका वजह से मेरा ये समस्या हुआ, मेरा परिस्थिति ऐसे ही होता तो मैं कितना ये परिस्थिति के ऊपर मैं जा पाता था, नहीं तो मेरा। अभी स्कूल पढ़ने वाला बच्चे लोगों को पूछो ऐसे ही बोलते हैं, उस दिन पेपर ही अच्छा नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन लिखने वाला अच्छा नहीं बनाया। नौकरी करने का जगह में लोग को पूछो ऐसे बोलते हैं, कंपनी का मालिक उस दिन मेरे पास में खड़ा था इसलिए मैं ये काम अच्छा नहीं, गड़बड़ा गया, मैं नहीं कर पाया। बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोगों को भी बोलो, खेलने का समय कुछ गिर गया, कुछ हो गया तो बोलते मैं तो अच्छे से आया मम्मी, उनका वजह से मैं गिरा। मतलब हमेशा दुनिया के लोग ऐसे ही, हम लोगों को इसी दुनिया में रहते हमेशा, जैसे आदम पाप किया, क्या बोला, परमेश्वर आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, हवा के द्वारा ही मैं पाप कर दिया। मतलब हमारा जो भी परेशान को, प्रॉब्लम को दूसरे लोग हमेशा कारण होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, नहीं तो कुछ पैसा का परेशानी को बारे में बोलते हैं, नहीं तो कुछ परिस्थिति को बोलते हैं, लेकिन मेन कारण हमारा अंदर ही है, हमारा मन है। इसका वजह से हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम को मेन कारण हमारा मन है, हमारा हृदय। इसमें हम सावधान रहने लगेंगे बस बहुत परेशान दूर हो जाएगा, विजय उसमें से उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत रिश्ता आज टूटता है, किसका वजह से, ये मन का वजह से। आज बहुत लोगों को बीमारी में रहते, किसका वजह से, ये मन के वजह से। आज बहुत लोगों को दुनिया में भी, मतलब देश के बीच में भी, गांव के बीच में भी, ये सब क्या है, लोगों को मन बहुत मेन है। मन अच्छा से संभाल के रखने, इसलिए परमेश्वर ने बोला है अपना, जो नीति वचन में अभी मतलब 4 में हम देख रहे, जो सब बातों से हमारा तुम्हारा मन को संभालो, उसमें से जीवन की मूल स्रोता वहाँ से निकलती है। तब हमारा जीवन की मूल स्रोता मतलब हम वो हृदय के अंदर से, परमेश्वर ने हमको एक हृदय, मन के अंदर क्या दिया है, सोच विचार दिया है, इमेजिनेशन दिया है, इतना फिर वो क्या है, इतना शक्तियाँ हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है। एक एक परमेश्वर एक एक चीज, पेड़ बनाया उसके पीछे एक मकसद है, फल बनाया एक एक फल, उसके पीछे देखो कुछ मकसद से परमेश्वर ने एक एक चीज़ों को बनाया। वैसे हमारे हृदय के अंदर भी, हमारा मन के अंदर भी ये क्यों रखा है, सोच विचार इमेजिनेशन ये सब रखा है। हम सोचना है, इमेजिनेशन करना है, वो बात वहाँ होता है। कोई लोगों को देखो हमेशा कुछ भी बातों के लिए करके डरते रहेंगे, वो डर ही वहाँ पैदा होगा। बेसिकली हम देखते हैं ना, यीशु मसीह एक वो कहानी जो सुनाते हैं जिसमें वो बोने वाला बीज बोता है, तो वो जब वो बोलता है कि अलग अलग तरीके के जमीन है, और वो जो जमीन है वो हमारा अलग अलग तरीके का मन है। अगर वो जमीन सही होगा तो परमेश्वर का जो वचन का जो बीज है, वो बीज में तो सामर्थ उतना ही है, पर वो हमारे जीवन में कितना फल लाएगा वो हमारे मन का जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। देखो बहुत लोगों को आज मन में संभालना चाहिए। कई लोगों को मन को खुला रखते थे। मन के खुला रखने से कुछ भी, मेरे अभी बीच में 2 हफ्ता का 3 हफ्ता का पहले कुछ परिस्थिति को मैं ऐसे ही देखते रही, वो बहुत बीमारी में थी, तभी मेरा अंदर से ऐसे एक शब्द सुनाई दिया, तुम्हारा मन डस्टबिन मत बनाओ, तुम्हारा मन को डस्टबिन मत बनाओ, ऐसे करके। मैं बोला ये क्यों आ रहा है, डस्टबिन क्यों मत बनाओ, ऐसे करके। तभी मेरे मन से पवित्र आत्मा मुझे ऐसे अगवाई किया, मतलब आलतू फालतू कोई लोग मन कैसे खराब हो जाता है, कुछ भी सुनते रहो, कुछ भी देखते रहो, क्या हो जाता है, मन बहुत पॉइजन हो जाता है। कुछ भी कोई लोगों को देखो हमेशा, थोड़ा बीमार आया होगा वैसे ही तुरंत वो इधर उधर, आजकल तो यूट्यूब करते रहते, गूगल करते, सर्च करते, यूट्यूब में तुरंत वो उसको तो आया होगा हल्का सा कुछ विटामिन कम का वजह से कुछ बीमारी आया होगा, लेकिन इतना सर्च करने लगते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है शैतान ऐसे ही कार्य कर रहा है। तुम्हारा मन में पहले सोच विचार को डालता है, ये देखते वो देखते, फिर वो क्या हो जाता है, पूरा डरने लग जाता है, वो सोच विचार पूरा इमेजिनेशन हो जाता है, पूरा उसके बारे में लोग इमेजिनेशन करने लगते। वैसे ही वो डॉक्टर ने बताया, वैसे ही हुआ है, तभी वो बहन भी ऐसे ही बताया, तभी ऐसे ही बताया, उनके बारे में इमेजिनेशन करने लगते। इनको वो होने वाला ही नहीं होगा, तो भी लास्ट में इसको वही हो जाता है। इसलिए इमेजिनेशन गढ़ जैसा, बोलते हैं ना 2 कोरिन्थियों 10 में हम देख रहे हैं, मन सोच विचार वो क्या हो जाता है, इमेजिनेशन उसके बाद वो गढ़ जैसा हो जाता है, गढ़ों को उत्पन्न करता है। आजकल ऐसा ही है। इफिसियों का 4 का हम देख रहे 17, 18, 19 का वचन अभी हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनार्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तब हम देख रहे हैं उसी में वो अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसे ही लोगों को कभी कभी देखो इमेजिनेशन करते रहते, पूरा दिन वही सोच विचार में रहते, कुछ भी अर्थ नहीं रहता है। तभी वही ऐसे हम सोचते रहेंगे तो क्या होता है, तेरा बुद्धि अंधकार हो जाता है। पहले शैतान ऐसे ही विचार, क्यों हमारा मकसद को उसको तोड़ना है, इसलिए हमारा मन को वो खराब करता है। वो तो कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है, वो तो सृष्टि नहीं करता है। परमेश्वर इतना अच्छा एक एक चीज़ों को सृष्टि किया, उसको लेके वो नाश करने के लिए शैतान घूमता है। हमारा मन को विचार को वो लेके हमको वो नाश करता है। वो एक्चुअली हम ये देख सकते हैं ना कि हमारी जो आत्मा है उसको वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक सील मोहर उस पे लग गया है। तो शैतान भले कुछ भी कर ले, वो हमारे आत्मा, जैसे यीशु मसीह बोलते हैं ना कि ये मेरी भेड़ें हैं और कोई भी मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। तो हमारा जैसे उद्धार भी हमने पा लिया है, तो हमारे आत्मा को शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, पर वो हमको कैसे अफेक्ट करता है कि हमारे मन को, हमारा मन के द्वारा या हमारा सोच विचार के द्वारा, हमारा कल्पना के द्वारा हमारा जीवन में आके बीमारियों के लेके आता है, दरिद्रता को, अशांत को, आनंद को चुरा लेता है। ये सब शैतान का काम है, इसको हम ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो अंधकार, बुद्धि में अंधकार को लेके आता है, फिर उसके बाद क्या करता है, हमारा हृदय को कठोर कर देता है, जेल जैसा हो जाता है हमारा मन का। ऐसे हम आलतू फालतू बातों में हम सोचते रहेंगे, इमेजिनेशन करते रहेंगे, कड़वावट आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब हम अपने आप एक जेल में दूसरा कहीं भी जाके बंधन है ना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक प्रॉब्लम पे जब अगर हम बहुत कभी कभी ऐसे, और ऐसे हर बार ये भी नहीं होता कि नेचुरल होता है, ये नहीं है कि हर बार वो नेचुरल होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार शैतान ही आपको वो अटैक करेगा, पर कुछ बार ऐसा होता है कि शैतान बहुत ज़्यादा आपको अटैक करता है, कि जैसे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना कभी कभी, हो सकता है कि कभी वो नेचुरल नॉर्मल परिस्थितियों से भी हम, हो सकता है हम परेशान हों, पर कभी कभी ऐसे सच में ऐसा होता है कि वो शैतान का ही वो कार्य होता है कि वो आपको ऐसे ही वो दिखाएगा कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ भी रहा नहीं, जीने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तुम क्यों जी रहे हो, तुम ऐसे, इससे अच्छा तो तुम मर जाओ ऐसे ही। और एक्चुअली मुझे बीच में ऐसा एक फेस अभी मेरा चला था कि मैं बहुत ऐसे परेशान हो जाती थी, और तब मुझे ऐसा लगता था कि हमें ऐसा लगता है ना कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ मेरे साथ ही ये हो रहा है, कि ऐसा कोई नहीं सोचता होगा कि इससे अच्छा प्रभु है कि मैं मर ही जाऊँ, क्योंकि मैं किसके लिए अभी मैं जी रही हूँ। पर मुझे ऐसे हम देखते हैं, वचन में भी हम पढ़ते हैं, और प्रभु ने मुझे ऐसे बताया, और मुझे ये बहुत एनकरेजिंग लगा कि ऐसे जो थॉट्स हैं, ये जो विचार हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ जैसा आपको आज लगता होगा कि सिर्फ मुझे, मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं हूँ या मर जाऊँ, ऐसा जो विचार आते हैं, आप मतलब अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि सबके लाइफ में ये कभी ना कभी ऐसे आता है विचार, कि हम सोचते हैं, उठते ही हम सोचते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, इससे अच्छा तो हम मर के स्वर्ग में प्रभु के पास पहुँच जाते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि ऐसे विचार जो होता है वो एक अटैक होता है, शैतान का एक हमला होता है। तो हमें, हम उस टाइम पे अगर हम परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ रहेंगे तो वो आंधी तो चली जाएगी, और परमेश्वर हमारे मनों को खोलने लगेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जीने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे डेफिनेटली परमेश्वर ने आपके लाइफ के लिए एक बहुत सुंदर प्लान रखा है, और बहुत बड़ा बढ़िया रखा है। और ये जो है, अभी ऐसे हो सकता है कि आपके कुछ दिन ऐसे लगता होगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, पर कुछ ही दिनों में पूरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो हमें बस उसको जय पाना है, मतलब हमारा मन को सुबह उठते हुए शैतान आएगा, दोनों बेड काफी आएगा, शैतान क्या ओर से भी बेड काफी आएगा, स्वर्ग से भी बेड काफी आएगा। आपका चाय से, आपको कौन सा कॉफी पीने से, देखो शैतान क्या ओर से वो कॉफी आप पी लेंगे, बस उसी दिन उसका सामर्थ्य आप भरा रहेंगे। स्वर्ग का बेड काफी आप पी लेंगे, आपको उसी सामर्थ्य पाएंगे। हमारा ही मन का विचार है, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, और अगर ऐसे अगर कुछ हमको लगता है तो चर्च में हमें किसी से बात करना चाहिए। ये खुद को ऐसे अकेले अलग अलग आइसोलेट करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हमको कितने सारे भाई बहन दिए हैं जो हमको वचन बोलते हैं, एनकरेज करते हैं, और मतलब आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। अकेला ऐसे भी बोलते हैं ना, कोई कोई मतलब संदेश में सुना है, कोई बोलते हैं ऐसे ही शैतान का एक विचार है हमारा मन में, हमको ऐसे ही तुम बोल रहे ना अभी अकेला है, मैं अकेला हूँ। फिर ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोगों को, दुनिया में कितने लोग सुंदर में रहते हैं, कितना अच्छे हैं, ऐसे हम सोचने का समय। वो बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में सुंदर नहीं, ऐसे ही तुम बोलते हैं। फिर कांच में जाके देख रहे, हाँ मैं तो सुंदर नहीं हूँ, ऐसे ही तुम देखने से वो बोल रहे, वहाँ ब्रेन है ना, सबका बॉडी के लिए एक हेड है, तब वो बोल रहे वहाँ से ऑर्डर आता है तुमको गंदा करने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न होता है करके वो बोलते हैं। नहीं, ये सही है। अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, अब कुछ नहीं होगा, तो वो बॉडी भी सुन लेगा कि हाँ ठीक है, अब तो ये बूढ़े हो गए, अब क्या किसी काम के नहीं है तो वो कुछ एनर्जी नहीं देगा आपके सेल्स को। सामर्थ्य नहीं है, तुमसे ये नहीं कर पाएगा। ये मैं बीच में सुन रही थी, ऐसे हार्मोन उत्पन्न होता है। अभी किसके बारे में कुछ कड़वावट आते रहेगा ना, इससे किसके वो बोलता है, तब आपका ब्रेन, आपका शरीर में कुछ नहीं होगा। अच्छा आपका शरीर नॉर्मल रहता होगा, हल्का सा जैसा क्लाइमेट का वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आपका ब्रेन ऐसे उनके किसी व्यक्ति कुछ किया होगा, वो दूसरा सोच के किया होगा, लेकिन आपका विचार में आप उसको ऐसे ही, मेरे बारे में ऐसे किया, मैं ऐसे ही किया, मैं ऐसे आप सोचने लगने का समय देखिए, हल्का सा आपका सिर दर्द चालू हो जाता है। तुरंत वो बोल रहे हैं, वो हार्मोन शुरू होता है, फिर वो बोल रहे हैं, वो डाइजेशन नहीं होता है, ऐसे वो हार्मोन शुरू हो जाता है, फिर आपका बेड में गिराने वाला वो शुरू हो जाता है, आपका बस एडमिट करना पड़ता है। इससे आपका बोल रहे, इसीलिए सोच विचार में सावधान से रहो, संभाल के रहो, कुछ भी बातों को सुनते रहो। कभी कभी कोई लोगों से बात करने के लिए जाओ ना, ऐसे ही लोगों को बात करने में मतलब क्या बोल रहे, जो है ही नहीं, अभी वो तो हो गया है, वो मतलब ही नहीं है उसमें, अभी वो बोलने से कुछ होगा ही नहीं है। एक बहन अभी चर्च में आई थी, वो ऐसे ही बोल रही थी, उनके परिवार में बहुत दुर्घटना हुआ, सच में वो बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन वो बहन को हम लोग को बोल रहे हैं, यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, आपके परेशान के ऊपर वो जय पाया है, आप उसको स्वीकार कीजिए। ऐसे हम बोलने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर वो नहीं लेती है, लेकिन वो क्या करती है, उनके बोलते रहती है। तभी मैं बाजू में एक बहन है, वो सुनते हुए ऐसे उसको मुंह बदलते हुए मैं देखा, देखिए सिस्टर आप उसको ज़्यादा सुनने का नहीं, क्योंकि वो सुनने से आप एक बंधन जैसा हो जाते हैं, आपका एक जेल जैसा आपको अरेस्ट करेगा। तब आप अपने घर पे जाते हैं ना, आप अकेला रहने का समय, हाँ वो बहन ने ऐसे बोली, उससे कष्ट हुआ, ऐसे वो कष्ट आपके घर पे भी वो होने लगता है। लेकिन हम बोल रहे हैं वो ये सब कैसा होगा करके, लेकिन हम ही शैतान के लिए खोलते हैं जगह हमारे विचार के द्वारा। इसलिए हमारा विचार को बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। एक बार वो जायस मेरे ऐसे अपने मतलब एक्सपेरिमेंट किया होगा मन के विचार के बारे में, वो तो ज़्यादा मुंह के बारे में भी बोलते हैं। हमारा मुंह के शब्दों में संभाल के रहना है, हम मुंह मतलब जो शब्द हम बोलते हैं वहाँ वो हो जाते हैं करके। लेकिन बीच में उसको परमेश्वर ने ऐसे अगुवाई किया, हमारा मन के भी तुम सोच विचार में भी तो संभाल के रहना पड़ेगा करके। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने बेडरूम के अंदर एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ था, तब वो गमला में लगाया हुआ था, तब इसको उसमें ऐसे एक देखते रही। एक दिन आई थी एक ब्रांच के ऊपर, ऐसे अच्छा था, उसमें एक ब्रांच के ऊपर उसको एक नफरत आया, इतना गुस्सा आया, इसको क्यों, इसको हमको काटना चाहिए, यह अच्छा नहीं है, ऐसे उसको मन में ऐसे ही सोचते रही। लेकिन एक हफ्ता के बाद वो सुबह उठ के वो देख रही थी, वो ब्रांच ऐसे ही सूखा हुआ मर गया था। तभी वो बहुत धन्यवाद बोलने लगी। तभी मन के विचारों से कितना सामर्थ रहता है देखिए करके अपने पति से बुलाया, देखो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे हो गया। तभी देव मेहर ने तुरंत बोला, अच्छा हुआ तुम मेरे बारे में अच्छा सोचा है, तुम मेरे बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, अच्छा हुआ मेरे अच्छा पत्नी मिला है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट को आप तुम कोशिश करके नहीं देखा। तभी वो बोल रहे, सच में वो बात होता है, आपका मन को विचारों को आप संभाल के रखना पड़ेगा। जो भी आएगा, लोग जो भी देखेंगे उसको आप नहीं लेने का, सच्चाई के जैसा फिलिपियों का 4 में हम देख रहे, जो उचित बात है, जो सत्य के बात है, जो अच्छा है उसको ही तुम मन में सोचते रहो। सुबह उठते में बोले ना, स्वर्ग का चाय पीने से उसका सामर्थ्य मिलता है, यही स्वर्ग का हमारा हाथ में दिया हुआ वचन, इसको हमको यही छाया जैसा हमको जीवन की पानी है, इसको हम पीने से हमको पूरा दिन उसके ऊपर हम जय पा लेते। मन में तुरंत हमको ऐसे आजकल ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब सुबह उठते हुए बस बोलते हैं, आज मेरे को बहुत कुछ सुनसान लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है अच्छा नहीं है, आज दिन अच्छा नहीं, मेरा कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। बस मन को एक थर्मामीटर जैसा लोग ये करते हैं, लेकिन मन थर्मामीटर नहीं है, हम मन को सेट कर सकता है। परमेश्वर के वचन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, ऐसे एक मकसद परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए वचन क्या और हमारा मन को हम सेट करना चाहिए, तभी हमारा जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई लोगों को ऐसे ही सोचते हुए आलतू फालतू को बातों को सोचते हुए, बाप रे इतना मैं कर्जा लूंगा, इतना मैं पैसा लेके रोड पे मैं आके खड़ा रहूंगा एक दिन, ऐसे लोग इमेजिनेशन करते हैं। थोड़े दिन के बाद देखो सचमुच में वो लोग रोड पे ही आ जाते, बीमारी लोग बीमारी हो जाते। मार्क लेने वाला बच्चे भी ऐसे ही अपने बारे में सोचते, मार्क नहीं ले पा रहे। जो पाप से विजय पाने वाला बच्चे लोगों को भी थोड़ा ऐसे उसके ऊपर जय नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को इसी विचार में बंधन में लोग पड़े हैं। लेकिन एक चीज मैंने जैसे नोटिस किया है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि चिंता करना, यीशु मसीह ने बोला ना कि कल की चिंता मत करो। एक्चुअली बहुत बार मैंने ये देखा है कि कभी कभी कुछ दूसरे दिन कुछ ऐसे कुछ होता है और मैं पूरे दिन उसके पहले वाले दिन पूरे दिन मैं सोचते रहती हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये लोग मुझे ऐसे कह देंगे तो मैं ऐसे बोल दूँगी, ये मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूँगी, ये अगर नहीं हुआ तो ओ मैं क्या करूँ, फिर मेरा बैकअप प्लान क्या रहेगा। ऐसे सब मैं पूरा एक प्लानिंग पहले करके मेरा एक पूरा दिन तो बिगड़ जाता है। और दूसरे दिन जब वो दिन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कुछ भी वो होता है वो चीज़ ही कैंसिल हो जाती है और वो होता ही नहीं है। तो मेरे को एक्चुअली प्रभु ने एक बार एक विजन जैसे एक दिखाया, एक एग्जाम्पल, कि मान लो कि हमारे पास एक टोकरी है और उसमें कुछ फल रखे हैं। तो उस टोकरी में दिन प्रतिदिन हमारी एक टोकरी है जो हम उठा के लेके जाते हैं और उसमें फल रहते हैं। अब उस छोटे से टोकरी, वो जो टोकरी है वो सिर्फ 3-4 फल जितना उस दिन के लिए है उतने के लिए वो बना हुआ है। अगर आप कल परसों 1 साल बाद का अगर आप 1000 फल उस टोकरी में भरने की कोशिश करोगे तो आप उठा नहीं पाओगे और वो उसको फोल्ड भी नहीं कर पाएगा। तो जो आने वाले दिनों की जो चिंता हम उसके लिए हमारे मन बने ही नहीं है हम। और बहुत बार ये होता है कि उतना सब उठाने का कोशिश करेंगे और वो होता भी नहीं है। तो ऐसे डर नहीं करने का, डर को जगा देंगे तो डर ही उत्पन्न हो जाता है। वहाँ देखो इस्राएल जनता लोगों को परमेश्वर कितना अच्छा वायदा किया है, मद और दूध बहने वाला देश में तुम्हें लेके जाऊँगा करके, इतना अच्छे से लोग आ रहे थे। लेकिन उन लोगों को देखिए एक जगह पे आया, 12 लोगों के अंदर भेजा, तभी वो 12 में तो 10 लोग कितना ऐसी बुरी खबर लेके आया, तब ऐसे फैलाया, तभी वो लोगों को इतना बड़ा राक्षस जैसा है, हम उन लोगों को सामने कीड़ा जैसा दिखेंगे, ऐसे ही वैसे ये लोगों को बोलने लगा। ये लोग पूरा डर को स्वीकार किया, वहाँ पूरा डर हो गया, पूरा मतलब उधर जगह में डर उत्पन्न हो गया, पूरा डर पूरा फैल गया। तभी उधर क्या हो गया, वो पीढ़ी पूरा कानान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, वो लोग पूरा उधर ही मर गया। वो लोगों का डर, इतना डर के वो लोग उधर ही, वो उधर जंगल में लोग पूरा आशीष को वो लोग नहीं पाया, उधर ही मर गया। क्यों? लोगों का डर करने लगा। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोगों, हमको परमेश्वर ने बनाया, हमको ऐसे ही सुबह उठते हुए ऐसे उसके ऊपर जय पाना चाहिए। ऐसे नेगेटिव थॉट्सों के ऊपर परमेश्वर, जो भी परमेश्वर को रोमियों 8:28 में लिखा है ना एक वचन, जो भी प्रभु के बच्चे लोगों के लिए जो भी बातें हैं वो भलाई के लिए उत्पन्न होता है। ऐसे करके हम उसके ऊपर हमको वो वाचन बोलते हुए उसको हम सोचने लगना है, तभी देखो सच में शैतान लेके आएगा तो भी वो सामने वो परेशान को। थोड़े दिन में देखो हम पीछे मोड़ के देखेंगे वो बात हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है। वैसे यूसुफ का जीवन में भी हम देख रहे, उसको भी गड्ढे में डाला, क्या क्या किया, लेकिन उनके जीवन में भी वो भलाई के लिए उत्पन्न हो गया। तो वो सोचते रहा होगा तो भी मेरे लिए इतना दर्शन दिया है परमेश्वर, मुझे सब बात सब विरोध में हो रहा है करके वो नेगेटिव सोचते रहा होगा, सच में वो नेगेटिव में गया होगा, लेकिन वो कुछ भी बातों को नहीं सोचा। दर्शन एक्चुअली परमेश्वर सब कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारे लाइफ में सब कुछ वो करना चाहते हैं। हमको उनको कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आप कीजिए वो, पर हम उनके साथ जितना कोऑपरेट करेंगे उतना वो कर पाएंगे। जैसे परमेश्वर, हम देखते हैं ना कि पत्रस ऐसे लिखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, कोई एक भी वो चाहते नहीं है कि वो चाहते हैं कि सब उद्धार पाए। पर हमको पता है कि सब उद्धार नहीं पाता है, ये मतलब परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जब हम परमेश्वर को हाँ बोलते हैं तो परमेश्वर हमेशा रेडी होता है। हम बस हमको परमेश्वर को अलाउ करना है कि वो हमारे कि वो बातें करें हमसे, कि परमेश्वर जो हमको बोलता है उससे हमारे मनों में एक तस्वीर बन जाए। वो हमारे बारे में जो बोलता है वो एक तस्वीर हमें बनाना है, ना ही कि दुनिया क्या बोलती है। और हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के लोग एक्चुअली सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए उनका हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग ही होता है। तो हमको हमारा नज़रिया को जो नज़रिया है उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा।